बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। प्यारे बच्चों, हम चैप्टर टू कर रहे हैं और उसमें हम रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ कर रहे हैं। आपको पता है कि एक मोमिन की क्या खसूसियात होती हैं? मोमिन की खसूसियात में ये है कि वो गंदगी नहीं फैलाता, वो माफ़ करने वाला होता है, वो नरम खू होता है, वो बुरे कामों से दूर रहता है, अपनी आँखों को, अपने कानों को, अपने हाथों को बुराई से रोकता है, वो गीबत से बचता है, वो सदका देने वाला होता है। जो अपने लिए पसंद करते हैं वही मोमिन दूसरों के लिए पसंद करते हैं। और फिर कुरान म्यूज़िक से बेहतर है, म्यूज़िक सुनने की बजाय कुरान की तलावत सुनते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये खसूसियात हम अपने अंदर कैसे पैदा कर सकते हैं? तो ये खसूसियात पैदा होती हैं कुरान से ताल्लुक़ जोड़ने को। कुरान मजीद जो है वो रब्बे कायनात का तआरुफ़ है। अल्लाह से मोहब्बत करें, अपनी ज़िंदगी का मकसद जानें, अल्लाह ने हमें दुनिया में किस लिए भेजा है, और अच्छे शहरी, अच्छे मुसलमान, अच्छे पाकिस्तानी, अच्छे बेटे, अच्छे भाई, अच्छे एक स्टूडेंट बने। इन सारी बातों के लिए बहुत ज़रूरी है कि कुरान को तर्जमे से पढ़ें। कुरान दुनिया की वाहिद किताब है जो आपके अंदर अच्छे अखलाक पैदा करती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई छोटी छोटी दुआओं को याद करें और हर वक्त एहसास रखें कि अल्लाह आपके साथ है। हम अपने सबक की तरफ आते हैं। आज हम चैप्टर टू की एक्सरसाइज 2.2 कर रहे हैं और उसमें हम जो है एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन 2 और 3 करेंगे, जिसमें हमने आइडेंटिफाई करना है कि रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी इस्तेमाल हुई हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स बाय स्टेटिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स यूज। ये 3x + 3 × y − x जो है, इस इक्वेशन को सॉल्व किया गया है और इसके आगे आपसे पूछा गया है कि एक हर प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करें। तो सबसे पहले आप देखें कि 3x + 3y − 3x, तो ये 3 को y और से मल्टीप्लाई किया गया और x से, तो ये असल में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ओवर मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन। 3 को ज़रब दी ब्रैकेट के अंदर दोनों नंबरों से, तो इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यू कैन सब्सट्रैक्ट द नंबर्स एंड देन मल्टीप्लाई, और यू कैन मल्टीप्लाई एंड देन सब्सट्रैक्ट एज शोन बिलो। दिस इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग द मल्टीप्लायर, कि आपने उसको फैला दिया। 3x − y = 3x − y, तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया गया है कि 3y जो है ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, मूव द प्लेसेस, जगह तब्दील की गई है, कि 3x और 3 − 3x जो है प्लस, उनको एक साइड पे कर दिया गया है और y जो है उसको एक साइड पे कर दिया गया है, क्योंकि हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में यही पढ़ा था कि आप दो नंबर जब उनको ऐड करते हैं तो आप उनकी जगह तब्दील कर देते हैं। दो नंबरों को जमा करें किसी भी तरतीब से, जवाब एक ही आएगा, तो तरतीब तब्दील करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन यूज़ की। उसके बाद आगे नेक्स्ट है, आप ये देख रहे हैं कि 3x − 3 + 3x जो है उसका जवाब 0 में है, तो ये एडिटिव इन्वर्स है, कि हमने अगर हम जो किसी चीज़ का इन्वर्स के साथ जब ऐड करेंगे तो जवाब 0 आएगा। ये प्रॉपर्टी भी हम पहले देख चुके हैं कि रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी है कि इफ़ यू ऐड रियल नंबर टू इट्स ऑपोजिट यू विल ऑलवेज गेट 0, के −13 + 13 = 0। नंबर का मुखालिफ जमा करने से 0 हासिल होता है, और आपने देखा कि ये −3x + 3x को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास जवाब जो है वो 0 में आ गया। उसके बाद आगे आप देखें कि ये है 0 + 3y = 3y, ये एडिटिव आइडेंटिटी है, कि जब आप 0 को किसी भी नंबर में जमा करते हैं तो उसका जवाब ओरिजिनल नंबर ही होता है। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि
if you add a real number to zero, the sum will be original number itself. कि नंबर को सिफर के साथ जमा करने से हासिल जमा असल नंबर होता है, यानी 3+0 और 0+3=3. तो ये हमने क्वेश्चन को जो सॉल्व किया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, फिर हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और फिर एडिटिव इनवर्स, और फिर एडिटिव आइडेंटिटी. उम्मीद है आपको इन सारे स्टेप्स की समझ आई होगी. आप इनको अच्छी तरह से याद करें और ख़ुद भी कॉपी पेंसिल लेकर इनको अपने रफ नोटबुक पे उतारें. नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द नेम ऑफ प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग. अब ये हमारे पास 5 क्वेश्चंस हैं, इनके अंदर हमने आइडेंटिफाई करनी है जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई हैं. हम पिछले क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन को भी 1 पार्ट लेंगे और उसे डिटेल से देखेंगे कि उसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है. तो सबसे पहले है 20 √24+0 = √24. तो आप देखें कि इसमें एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है. If you add a real number to zero or add zero to a real number, then you get the same real number back. तो जब हमने √24 में zero को add किया तो हमारे पास √24 ही उसका answer आया. उसके बाद next question जो है वो है कि ये हमारे पास देखें सिर्फ जो है ना वो पहले हमने -2.2/3 को 5+7 से multiply किया तो हमारे पास -17/3 आ गया. उसके बाद हमने -2/3 को 5 से मल्टीप्लाई किया और फिर प्लस दोनों को अलग-अलग करके मल्टीप्लाई किया तो फिर भी हमारे पास आंसर जो है वो -17.3 आ गया. तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है कि द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट मल्टीप्लाइंग अ सम बाय अ नंबर gives the same result as multiplying each addendum by the number and then adding the products together. यानी आप पहले multiply करके बाद में add करें या add करने के बाद multiply करें तो जवाब एक ही आता है. इसको distributive law भी कहते हैं. ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर एक number को नंबरों के मजमूए से ज़रब दी जाए या फिर एक number को अलहदा ज़रब देकर जमा किया जाए जवाब एक जैसा आएगा. तो ये हमने इसमें देखा कि हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर इस्तेमाल हुई है. उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है पाई प्लस इज़ माइनस पाई तो ये हमारे पास ज़ीरो आ गया. तो इसको हम एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी कहते हैं कि व्हाट यू ऐड टू अ नंबर टू गेट ज़ीरो द नेगेटिव ऑफ अ नंबर. जब पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को आप ऐड अप करेंगे तो आपके पास जवाब जो है वो ज़ीरो ही आएगा. ये हम पहले भी इसकी डिटेल कर चुके हैं कि इफ़ यू ऐड रियल नंबर टू इट्स ऑपोजिट यू विल ऑलवेज गेट ज़ीरो. नंबर का मुखालफ जमा करने से सिफर हासिल होता है. जैसे 13+-13 को ऐड करेंगे तो हमेशा आपके पास सिफर ही जवाब आएगा. उसके बाद या नेक्स्ट है हमारे पास हमने √3 को मल्टीप्लाई किया √3 से और हमारे पास उसका जवाब इज़ अ रियल नंबर. तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी है. क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो ऑफ मल्टीप्लिकेशन. हम पहले भी इसको पढ़ चुके हैं कि If you multiply two real numbers, the product is also a real number. दो नंबरों का हासिल ज़रब एक नंबर आता है. तो इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो है वो इस्तेमाल हुई है. अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास आप देखें कि -58 को -85 से मल्टीप्लाई किया गया तो इसका आंसर 1 है. तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी है. रेसिप्रोकल इज वन ऑफ अ पेयर ऑफ नंबर्स दैट व्हेन मल्टीप्लाइड विद एन अदर नंबर इक्वल्स द नंबर 1. क्योंकि 8 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा और हमारे पास जवाब जो है वो 1 आएगा. तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी जो है उसमें
اصل نمبر صفر کے علاوہ نمبر کو فی کے مخالف سے ضرب دینے سے حاصل ضرب ہمیشہ ایک ہوتا ہے، یعنی آپ نے 2 کو 2 کے ریسیپروکل سے ملٹیپلائی کیا تو آپ کے پاس جو آنسر ہے وہ 1 آئے گا۔ تو امید ہے آپ کو یہ دونوں کوسچنز سمجھ آئے ہوں گے۔ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں، اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اچھی طرح سے اس